हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, रियली दिस इज़ वेरी गुड फॉर नॉट फॉर ओनली एमपी बोर्ड स्टूडेंट बट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, दोज हु आर अपीयरिंग दिस ईयर इन क्लास ट्वेल्थ। जो भी क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे, जिनकी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कन्फ्यूज़न था, आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि ट्वेल्थ एमपी बोर्ड ने भी एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई की तरह कैंसिल कर दिया है। स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द फार्मूला ऑन विच द रिज़ल्ट विल बी, आई मीन टू से मार्किंग जो है वो की जाएगी, उसका हमें इंतज़ार करना है। सबसे पहले सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया और उसके बाद जैसे ही कल सीबीएसई ने एक जून को डिसीजन लिया, 2 जून को फटाफट से अलग अलग स्टेट के डिसीजंस आना शुरू हो गए। जैसे हाल ही में मैं आपको बता दूं कि कितने स्टेट्स ने अपनी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी है। गुजरात ने अपनी एग्ज़ाम कैंसिल कर दी है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम कैंसिल, महाराष्ट्र बोर्ड की भी एग्ज़ाम कैंसिल होने पर चल रहा है। यूपी बोर्ड जो है उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो डिसीजन लेंगे, बट उससे पहले उन्होंने स्टेट्स से यह आग्रह किया है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे ये आग्रह किया कि वहाँ पर क्या स्थिति है वो पूछा है। बट ये सारी चीज़ें मुझे लगता है फॉर्मेलिटीज़ है, एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम वहाँ की भी कैंसिल हो जाएगी। महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा है तो हरियाणा में भी लगभग कैंसिल होना तय जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान, तो राजस्थान पर भी बिल्कुल लगभग वहाँ की एग्ज़ाम कैंसिल होना फिक्स हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम स्टेट्स है उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है वो मैं अब बताता हूँ। एग्ज़ाम कैंसिल होना दैट इज़ ए न्यूज़, एक केवल न्यूज़ है जो आपको मिल चुकी है किसी अदर सोर्सेज से भी, बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या होना है। और ये स्टेट्स जैसे कि एमपी में बहुत कम केसेस है और एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती थी 3 सब्जेक्ट का जैसे बोल रहे थे, बट कैंसिल क्यों कर दिए, उसका एक ही रीज़न है कि किसी भी कंडीशन में अगर सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल करी है तो उन्होंने ये भी कहा है कि समय पर रिज़ल्ट जो है वो दे दिया जाएगा। अब बात ये होती है कि जब कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप सीबीएसई बोर्ड से आए, एमपी बोर्ड से आए, महाराष्ट्र से आए हैं, कहाँ से आए हैं या किस बोर्ड से आपने अपने ट्वेल्थ करी, इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके ट्वेल्थ में मार्क्स को देखती है, चाहे आप सीबीएसई से आए हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से आए हो, चाहे आप यूपी से आए हो, हरियाणा से आए हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से आए हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंकिंग निकाली जाती है आपके ट्वेल्थ में ऑब्टेंड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब जो फार्मूला सीबीएसई बोर्ड देगा उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इन स्टेट्स में भी उनका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो गलत होता है। मान लो सीबीएसई किसी अलग पैरामीटर पर अपना रिज़ल्ट या मार्किंग जो है वो स्टूडेंट को करती है और एमपी बोर्ड अलग मार्किंग करती है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और वो ये होता है कि जो एमपी बोर्ड है वहाँ के स्टूडेंट्स को अगर ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं बजाय सीबीएसई बोर्ड के, तो पहले एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को एडमिशन कॉलेजेस में मिलेंगे, सीबीएसई को उसके मेरिट के बेसिस पर बाद में मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इक्वलिटी नहीं होती है, इसलिए भी एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल की गई है। दूसरा रीज़न ये भी है कि टाइम से सीबीएसई बोर्ड तो अपना रिज़ल्ट दे देगी, लेकिन एमपी बोर्ड अगर एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के फिर कॉपियाँ चेक करना और कॉपी चेक करके रिज़ल्ट बनाना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो रिज़ल्ट में लेट हो जाएंगे, फिर कॉलेजेस में एडमिशन अगर शुरू हो जाते हैं उससे पहले, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एग्ज़ाम हुई है और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, उनका मेरिट किस बेसिस पर आएगा या वो किस तरह से कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, जबकि उनको यही नहीं पता है कि उनका रिज़ल्ट क्या है, उनके मार्क्स क्या है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए जो है एग्ज़ाम कैंसिल की गई है। अब बात आती है कि किस तरह से रिज़ल्ट बनता है और उसमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदे स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और अब भी मैं आपको यही बताऊँगा कि एग्ज़ाम भले ही कैंसिल हो गई हो, लेकिन स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी फॉर फर्दर गोल। जो भी आपका फर्दर गोल है उसके लिए आप स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। रीज़न बता देता हूँ क्यों। जैसा कि मान लो टेंथ का रिजल्ट जिस बेसिस पर बन रहा है, अगर ट्वेल्थ का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं उसी बेसिस पर बनता है तो आपको नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो आप ट्वेल्थ क्लास में स्कूल नहीं गए, यानी कि जितने दिन भी स्कूल लगा आप स्कूल नहीं गए, या वहाँ पर जो यूनिट टेस्ट हुए और जो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम्स हुई, अगर आपने उनको अटेंड नहीं किया तो आपको खासा नुकसान होगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर वेटेज निकाला जाएगा और आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा।
ठीक है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठे या किसी एग्ज़ाम को आपने सीरियस नहीं लिया, किसी यूनिट टेस्ट को आपने सीरियस नहीं लिया और उसमें आपको कम मार्क्स आए, तो निश्चित ये डेफिनेटली श्योर हो गया है कि आपको इस फाइनल एग्ज़ाम में भी आपका रिजल्ट जो है उसी बेसिस पर बनेगा और उसमें भी आपके मार्क्स कम आने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। आज आपको उस वजह से, जिस वजह से भी हो, आपने अपनी स्कूल में कंडक्ट की जाने वाली हाफ ईयरली प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट अटेंड नहीं किए या उनको सीरियस नहीं लिए, तो अब आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख हो जाएगी फॉर थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि होल लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए आपके लिए सीख हो जाएगी। अब डिपेंड ये करता है कि मान लो आपका स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है, आपका पहले का, प्रीवियस ईयर्स का यानी कि 11th का या 10th का रिजल्ट कैसा है, हो सकता है इसके बेस पर भी आपकी एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट बनाया जाए, या हो सकता है कि एक दो मिनट के लिए आपको स्कूल से कॉल आए, जैसे वाईवाई होता है प्रैक्टिकल के लिए उस तरह से आपको कॉल आए और वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ और क्वेश्चन के बेसिस पर आपका इंटरनल असेसमेंट करके आपका कुछ वेटेज या कुछ परसेंटेज उसमें से भी आपके मार्क्स में इंक्लूड किया जाए। कह नहीं सकते, अभी तक भी जो फार्मूला है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, पहले CBSE फार्मूला डिक्लेयर करेगी, उसके बाद ही MP बोर्ड या अदर बोर्ड अपने फार्मूलाज डिक्लेयर करेंगे कि किस बेसिस पर रिजल्ट प्रिपेयर किया जाना है और कब तक ये रिजल्ट आ सकता है। तो कहना यही है बस कि एग्ज़ाम कैंसिल होगी, आप खुशी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से रहिए, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अभी तक का जो स्टडी का जो फोकस था वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, यानी कि एग्ज़ाम इंटेंसिव स्टडी आप कर रहे थे, अब आपका वो प्रेशर रिमूव हो चुका है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर मींस आई मीन टू से कि आपको एक्सटेंसिव स्टडी करना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट एक्सटेंसिव स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट्स, आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उन पर आपको एक्सटेंसिव स्टडी करना है। अब दूसरी बात ये भी सोचना है कि सपोज 10th को बेस लिया जाए और उस बेस पर आपका 12th का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाए, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लो वहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स थे, मतलब होते ही थे 6 सब्जेक्ट्स, अब मान लो किसी स्टूडेंट ने मैथ्स में वो वीक था और उसने मैथ्स को छोड़ दिया और उसने बायोलॉजी या कॉमर्स या आर्ट या एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट वो चूज़ करता है, तो नाउ करना क्या होगा, यानी कि मैथ्स में तो 10th में उसको कम मार्क्स आए होंगे और इसकी वजह से उसका परसेंटेज डाउन होगा, बट अब जबकि उसके पास मैथ्स नहीं है तो क्या मैथ्स के वेटेज को लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा, 11th में जैसे 10th आप पास आउट करके 11th में आते हो तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन हो जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो 10th में परसेंटेज थे वो 11th में नहीं बन पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 11th में, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर इजी होता है थोड़ा पास होना, तो वहाँ पर वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, सब्जेक्ट्स हैवी हो जाते हैं, सिलेबस एनलार्ज हो जाता है यानी कि लेंथी हो जाता है, इस वजह से भी कई बार 11th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो अगर 11th को भी आपके मतलब रिजल्ट प्रिपरेशन करने में, 12th का मार्किंग में अगर इंक्लूड किया जाता है 11th का रिजल्ट भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको नुकसान होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से हर साल एक मतलब एग्ज़ाम्स को, हर क्लास को सेम जो है वो यानी कि इम्पोर्टेंस दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर्स आए होंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए है कि अगर इस बार आपसे गलती हो गई है तो नेक्स्ट लाइफ में आपको इस तरह की गलती ना दोहराएं। अपने स्टडी को मैं अब भी कह रहा हूँ कंटिन्यू करिए, अदर सब्जेक्ट्स पढ़िए, और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होगा रिजल्ट किस तरह से बनेगा और किस तरह से स्कूल्स आपकी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जैसे ही जो ऑर्डर्स मिलेंगे, जो ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे थे, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है और अभी फ़िलहाल आप इन दिनों क्या पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों पर या उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जिसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल दोज यू आर रिक्वायर्ड और इन विच यू आर इंटरेस्टेड, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जिसमें आप एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, जिसमें आपको अच्छा लगेगा पढ़ना, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट की ड्यूटी जो है वो स्टडी करना है, ठीक है, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं होता है। जिस तरह से किसान की खेती करना, एक टीचर की टीचिंग करना, एक लॉयर की जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी करना, पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी करना, कलेक्टर की अपनी ड्यूटी होती है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती है, वो उनसे मुख नहीं मोड़ सकते। उसी तरह से आप स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी, डोंट क्विट इट, डोंट यू नो क्विट नहीं करना है आपको, और यहाँ से आपको छोड़ना भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे और सारा कन्फ्यूज़न और टेंशन जो है वो अब आपका दूर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।